कितना कितना पचपन रक्त कणिकाएं रक्त कणिकाएं कितनी होती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स प्लाज्मा 55% होता है। इस प्लाज्मा का रंग हल्का पीला गाढ़ा सिपसिपा हल्का पीला गाढ़ा सिपसिपा ब्लड का निर्जीव भाग भी कौन सा है ब्लड को पोषण भी किससे मिलता है प्लाज्मा से तो भी किससे ब्लड का आधारभूत भाग भी कौन सा है तो भी कौन सा प्लाज्मा प्लाज्मा की सहायता से एक पदार्थ प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है किसका नाम है इस सीरम का उपयोग दवाइयों की टेस्टिंग में दवाइयों की या सांप के जहर का तोड़ बनाने में सांप के जहर का तोड़ बनाने में प्लाज्मा में जल कितना परसेंट आपकी कितनी बताओ कितनी जबकि आपके लवण होते 0.9% जो कौन कौन से सोडियम तथा पोटेशियम से निर्मित लवण बताओ सोडियम तथा पोटेशियम से आपका ग्लूकोज होता है 0.8% अशुद्ध ब्लड में कौन सी गैस CO2 बताओ कौन सी शुद्ध में कौन सी बताओ कौन सी उसके बाद हमने पढ़ी आपकी ब्लड कार्पल्स ब्लड मतलब रक्त कणिकाएं ब्लड में कितनी होती है कितनी आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी कार्पल्स बताओ भाई कौन सी कितनी होती है कितनी होती है सबकी 1% में ये आपकी दोनों ही पाई जाती है ये दोनों ही पाई जाती है आरबीसी का कंप्लीट में ध्यान से सुने आर से रेड आर से का कंप्लीट में ध्यान से सुनना W से वाइट B से ब्लड C से कार्पस मींस श्वेत रक्त कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं प्लेटलेट्स को किस नाम से भी जानते हैं बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आरबीसी को किस नाम से भी जानते हैं किसको जानते हैं तो भाई किसको आपका प्रोथोम्बिन के नाम से भी किसको जानते हैं उसके बाद बात आती है संख्या की बताओ भी किसकी आरबीसी की संख्या महिलाओं में कितनी है 45 पुरुषों में कितनी जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 1.5 लाख से उसके बाद हमने पढ़ा इनका निर्माण कहाँ होता है जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है अपनी माँ के गर्भ में होता है मींस उसने अभी तक जन्म नहीं लिया है तो उस टाइम उस बच्चे में आरबीसी का निर्माण बताओ किस अंग में होता है मींस लिवर में मींस लिवर जिसे आप मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहते हैं। हाँ भाई यदि कोई व्यक्ति विष का यूज कर लेता है तो डॉक्टर जांच भी किस अंग से प्रारंभ करते हैं यकृत से बताओ किससे मानव शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग भी कौन सा है एक नवजात शिशु में एक नवजात बच्चे में आरबीसी का निर्माण किस जगह होता है बताओ किस में जिसको आप किस नाम से दिल्ली बताओ किस नाम से आरबीसी का शमशान घाट भी किसको बोलते हैं आरबीसी का भूचड़ खाना भी किसको बोलते हैं ब्लड बैंक के नाम से भी किसको बोलते हैं आपको बताओ किसको जबकि एक वयस्क मनुष्य में एक एडल्ट ह्यूमन में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है जबकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों का निर्माण ही कहाँ होता है इसके बाद हमने इनके पढ़े एक्शन मतलब कार्य क्या होते हैं तो सुनना गैसों का परिवहन कौन करती है रोगों से रक्षा कौन करती है रोगों से रक्षा कौन करती है इसे हम सैनिक कणिकाओं के
नाम से भी जानते हैं, सैनिक कणिकाओं के नाम से भी जानते हैं। जब आपकी चोट लग जाती तो ब्लड का थक्का बनाने का काम कौन करती है? तो भाई कौन करती है? अरे कौन करती है? हाँ भाई, आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल। तो भाई कैसा? लाल। इसमें कौन सा रंग होता है? बताओ भाई कौन सा? कौन सा? इसके बाद हमने पढ़ा इनका जीवन काल। बताओ क्या पढ़ा इनका जीवन काल? आरबीसी का जीवन काल 100, 100, WBC का 200।